मोदक लॉर्ड गणेशा की फेवरेट मिठाई और हम सब लोगों की भी, लेकिन इसे बनाते समय हमें तीन चीजों का खास ध्यान रखना है। पहला कि आपका डो कैसा होना चाहिए जिससे ठंडा होने के बाद भी मोदक एकदम सॉफ्ट रहे। दूसरा, स्टफिंग आज हम दो तरीके से करने वाले हैं, एक मावा के साथ और दूसरा नारियल के साथ। तो दोनों स्टफिंग का टेक्सचर कैसा होना चाहिए जिससे हमारा मोदक एकदम जूसी और रसीला बने, जिसके लिए मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स भी दूंगी। और तीसरा, हमें यह देखना है कि स्टीम देते समय कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। हेलो एंड वेलकम टू माय किचन रिदुस कलरी आर्ट्स। चलिए आज की बहुत ही मजेदार और आसान सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डो की तैयारी करना है। इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 2 कप पानी और साथ ही डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक और 2 छोटा चम्मच शुद्ध घी। घी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका डो एकदम सॉफ्ट बनेगा और अगर डो सॉफ्ट बनेगा तो मोदक भी सॉफ्ट बनेगा। अब ये देखिए पानी हमारा बॉइल्ड हो रहा है, तो इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे 2 कप चावल का आटा। कोई भी ग्रोसरी स्टोर में ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब आपको लगेगा कि आटा ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे यह आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा पक जाएगा। आइए अब इसे ढक देते हैं। चलिए अब बनाते हैं अपनी पहली फिलिंग नारियल और गुड़ की। इसके लिए मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच शुद्ध घी और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच खसखस, जो कि जनरली ट्रेडिशनल मोदक में डाला जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे 1/2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल। फ्रेश नारियल में मॉइस्चर काफ़ी अधिक होता है, तो हो सके तो हमेशा फ्रेश कोकोनट से ही स्टफिंग तैयार करें। इससे मोदक के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा और मॉइस्चर होने से मोदक एकदम रसीला और जूसी बनेगा। 2 मिनट इसे ऐसे ही रोस्ट करेंगे। जब इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप गुड़, मतलब 1 कप नारियल के लिए 1/2 कप गुड़ एकदम ठीक होगा। मिठास भी इसकी एकदम परफेक्ट होगी। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और आप 1 से 2 मिनट के बाद देखेंगे कि गुड़ हमारा पिघलना शुरू हो गया है, मेल्ट हो रहा है। इसे ऐसे ही मिलाते रहिए। अच्छा, यदि आपको किसी कारण से फ्रेश कोकोनट नहीं मिल रहा है तो आप जो डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसका मैंने मिश्रण बनाया था, लेकिन नारियल का बुरादा काफ़ी ड्राई होता है, इसलिए इसकी स्टफिंग भी गुड़ के साथ मिलने के बाद काफ़ी ड्राई होगी और मोदक थोड़ा कम जूसी बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं फ्रेश कोकोनट का यूज़ कर रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहिए और जब ये हल्का गीला लगे तभी आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही थोड़ा जम जाएगा। इसे ज़्यादा ओवर कुक ना करें, नहीं तो स्टफिंग हार्ड हो जाएगी। तो नारियल और गुड़ की स्टफिंग हमारी तैयार है। आइए इसे ठंडा होने देते हैं और अब हम अपनी दूसरी स्टफिंग मावा की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मावा, जिसे खोया भी बोला जाता है, और इसमें हम मिला देंगे 50 ग्राम चीनी। आप चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम अभी बंद ही है। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और उसके बाद इसे 4 से 5 मिनट तक भूनते रहेंगे। पहले आप देखेंगे कि मावा और चीनी दोनों मिक्स होकर पिघलने लग जाएगी। तब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा पतला हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे यह कांटे की तरह बंध जाएगा आपस में। अच्छा, इसे आपको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा और मोदक जूसी नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि बैटर अभी थोड़ा सेमी सॉलिड है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और ड्राई हो जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं और देखा आपने, 20 मिनट में ही हमारी 2 तरह की स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। अब आटे को अच्छे से मल लेना है। वैसे तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको डो सूखा लग रहा है तो 1 या 2 चम्मच आप गर्म पानी का डाल सकते हैं। और यदि किसी कारण से डो थोड़ा गीला हो गया है
तो एक या दो चम्मच चावल का आटा डाल के अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें लास्ट में हम एक चम्मच शुद्ध घी डालते हैं और इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मैश करते हैं, जिससे आटे में कोई भी क्रैक्स ना रहे। तो चलिए, सारी तैयारियां हो चुकी है, अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा अपने उंगलियों पे घी लगाया और एक नींबू के साइज के बराबर डो निकाल लेंगे और फिर जो मोदक बनाने का साँचा होता है उस पर हम घी से ग्रीस कर लेंगे और वापस इसे बंद करके जो लोई हमने निकाली थी उसे अंदर अच्छे से चारों तरफ प्रेस करते हुए लगा देंगे और चारों तरफ अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि इसमें बीच में एक कैविटी हो जाए, एक होल हो जाए। और उसके बाद हम इसमें एक बड़ा चम्मच नारियल और गुड़ की स्टफिंग डाल देंगे, इसे भी डाल दीजिए अच्छे से। और उसके बाद थोड़ा सा आटा से इसे हम सील कर देंगे, चारों तरफ प्रेस करते हुए इसे सील कर दीजिए। और यह देखिए, जैसे ही आप सांचा खोलेंगे एक सुंदर मोदक बाहर आ जाएगा, लग रहा है ना देखने में बहुत ही सुंदर। और ऐसे ही करके हम अपने सारे मोदक को बना लेंगे। चलिए अब हम मावा की स्टफिंग करते हैं। मावा का टेक्सचर देख के आप समझ ही गए होंगे कि मोदक हमारा बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और रसीला बनने वाला है। और यह देखिए, प्रोसेस सेम ही है, ऐसे ही हम अंदर लोई डाल देंगे और उसके बाद एक चम्मच के बराबर मावा की स्टफिंग डाल दीजिए, इसे सील कर दीजिए। और यह देखिए, इसे ओपन करने के बाद हमारा मावा का मोदक बाहर आ चुका है। चलिए अब इसे हम स्टीम करने की तैयारी करते हैं। स्टीम करने के लिए यहाँ मैं स्टीमर का यूज़ कर रही हूँ, वैसे आप इसे गैस पे भी स्टीम कर सकते हैं। यहाँ मैंने केले के पत्ते पे घी लगा दिया है और इसके ऊपर जो हमारी कोकोनट की स्टफिंग वाला मोदक था वो रख देंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे हमारा मावा की स्टफिंग वाला मोदक। अच्छा, यदि आपको एक बार में ज़्यादा मोदक बनाने हैं तो हमेशा स्टीमर का यूज़ करें। इसे खरीदने का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, यहाँ मैंने टाइम भी 12 मिनट के लिए सेट कर दिया है, इसे ज़्यादा ओवर कुक ना करें नहीं तो मोदक हार्ड हो जाएगा। और लीजिए, 12 मिनट के बाद हमारा सॉफ्ट जूसी मोदक बिल्कुल तैयार है। चलिए अब मोदक हम अपने गणपति बप्पा को चढ़ा देते हैं और साथ ही इसकी गार्निश करेंगे हम केसर मिला हुआ दूध और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ। और यह देखिए, यह नारियल की फिलिंग वाला मोदक है, आउटर लेयर बहुत ही सॉफ्ट बना है और अंदर की फिलिंग एकदम जूसी है, देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे देखिए, मावा की स्टफिंग वाला मोदक है, इसका भी टेक्सचर एकदम वैसा ही है, बाहर से एकदम सॉफ्ट और अंदर से एकदम जूसी और रसीला। यदि आपको मोदक बनाते समय कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा, तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।